अलग क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ होता है अलग अलग टाइमिंग में, ठीक है। मान लो 10 दिन एज पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो कोई एक फसल है, उसका 10 पहले जो ऑन द टाइम ऑफ सोइंग, और 10 दिन के बाद 2 सेंटीमीटर वाटर का जरूरत है, आफ्टर 20 दिन के बाद 5 सेंटीमीटर वाटर का जरूरत है, ठीक है। आफ्टर वन मंथ इट्स रिक्वायर अबाउट 3 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है। ऐसे करके सर्टेन फिक्स टाइम इंटरवल में सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर का जरूरत है, ठीक है। तो ये हर क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर नेचुरल रेन इज सेटिस्फाई, तो ये जो कंडीशन है अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग क्वांटिटी, अगर नेचुरल रेन इज क्वांटिटी और टाइमिंग दोनों अगर सेटिस्फाई करे तो इरीगेशन का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। इंडिया में 6 महीना बारिश होता है, 6 महीना बारिश नहीं होता, तो इसी वजह से इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया, ठीक है। तो ठीक है, तो हम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स मीन्स द टोटल क्वांटिटी एंड द वे इन विच क्रॉप रिक्वायर वाटर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स सोन टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब कोई फसल, अगर कोई फसल लगाना है और उसके हार्वेस्टिंग के टाइम में ड्यूरिंग द बेस पीरियड टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है और कौन सी वे से जरूरी है, ये दोनों मिला के जो होता है उसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। वे मतलब टाइम, एक टाइम इंटरवल में वाटर का जरूरत होता है, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ जरूरत है, और टोटल जो क्वांटिटी ड्यूरिंग द बेस पीरियड, एक क्रॉप टोटल फ्रॉम द टाइम शोइंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ये दोनों दोनों के बीच में, दोनों टाइम इंटरवल में अंतर में कितने अमाउंट ऑफ टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है, उसे कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी वेरी करते हैं। एक मान लो धान के लिए अलग क्वांटिटी वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, जूट के लिए वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, आलू के लिए वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट। और एक बात है, सेम क्रॉप्स के लिए अलग अलग प्लेस में अलग अलग वाटर जरूरी है। मान लो नॉर्थ इंडिया में एक एक वाटर रिक्वायरमेंट है, साउथ इंडिया में और एक टाइप का वाटर, और एक डिफरेंट क्वांटिटी को वाटर जरूरत होगी, ठीक है। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप प्लेस टू प्लेस भी वेरी करते हैं और क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करते हैं, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आया वाटर रिक्वायरमेंट क्या है? यस सर। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर। द वाटर रिक्वायरमेंट, कोई भी क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट कौन सी कौन सी फैक्टर का ऊपर डिपेंड करता है। मेनली 4 फैक्टर थे, एक होता है क्रॉप फैक्टर, दूसरी सॉयल फैक्टर, तीसरी क्लाइमेटिक फैक्टर, और चौथी है एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट फैक्टर, ठीक है, जो मैनेजमेंट का काम है। तो पहले आप क्रॉप फैक्टर, ठीक है। क्रॉप फैक्टर मतलब जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स का वेराइटी ऊपर, ठीक है, ग्रोथ स्टेज, ड्यूरेशन, प्लांट पॉपुलेशन, क्रॉप ग्रोइंग सीजन, ठीक है, ये पूरा पूरा क्रॉप फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप फैक्टर के अंदर आते हैं। उसके बाद सॉइल फैक्टर, जो जमीन पे हम फसल लगा रहे हैं उस जमीन का सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, सॉइल का कौन सी टाइप का सॉइल है, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, टोपोग्राफी, ठीक है, ये सॉइल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है वाटर रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, कोई अगर सानी कंडीशन है, ठीक है, हॉटर हॉटर क्लाइमेट और विंटर क्लाइमेट, ठीक है, विंड वेलोसिटी, रेनफॉल, ठीक है, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। और एक मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इरिगेशन जब करेंगे तो इरिगेशन का एक मैनेजमेंट का जरूरत होता है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है, ये सारा सारा पॉइंट के ऊपर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है, सारा के सारा पॉइंट के ऊपर वाटर रिक्वायरमेंट, कोई एक क्रॉप्स का वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड, ये सारा फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है अगर कोई क्रॉप रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट, कोई क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना हो तो ये सारा फैक्टर ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखते हैं व्हाट इज द क्रॉप सीजन, ठीक है। तो क्रॉप सीजन इज नथिंग बट इज द सीजनल पीरियड इन व्हिच क्रॉप टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट सोइंग टू द हार्वेस्टिंग, ठीक है। क्रॉप सीजन मतलब कौन एक क्रॉप
जब ये एग्रीकल्चर लैंड में फसल लगाना है और उसको जब जब फसल हार्वेस्टिंग करता है, दोनों के बीच में जो सीजन है, जो टाइमिंग है, ठीक है, जो पीरियड है, उसी कहते हैं क्रॉप सीजन। ठीक है, तो इंडिया में इन फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जो मेनली टू टाइप ऑफ क्रॉप सीजन है, एक है रोबी सीजन, एक है खरीफ सीजन। ठीक है, तो किसी का आइडिया है रोबी सीजन और खरीफ सीजन के बारे में, थोड़ा यस सर, बोलो। यस सर, रबी सीजन में क्या है कि ठंड के मौसम में यानी कि सर सितंबर अक्टूबर में फसल को बोते हैं और गर्मी आने तक मार्च में काट लेते हैं, और खरीफ में सर जुलाई अगस्त में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट लेते हैं। हाँ, एकदम ठीक है। तो ये है मेनली टू सीजन है, और भी सीजन है जो जगह जगह पे वेरी करता है। जैसे कोई कोई को एरिया में, जैसे साउथ इंडिया में जनरली 5 सीजन होता है, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में और एक है जेड क्रॉप्स करके है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मेनली प्रिंसिपल जो सीजन है वो है दो दो टाइप के सीजन, रोबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो रोबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में मेनली फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, मार्च टू जून, मार्च टू जून में भी एक क्रॉप सीजन होता है जिसे जेड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन रोबी क्रॉप, रोबी सीजन और खराब सीजन के बाईस में एक सीजन आता है जिसे क्रॉप सीजन, ये भी प्रिंसिपल क्रॉप सीजन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर हार्वेस्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन आर कॉल्ड रोबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये रोबी क्रॉप्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल दिया, दे आर कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रोबी क्रॉप्स। ठीक है, तो दे आर यूजुअली शोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर महीने में ये बोते हैं और मार्च तक ये काट लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरली विंटर क्रॉप्स की, इसको और एक नाम विंटर क्रॉप्स भी है। ठीक है, और इसके लिए इरीगेशन जरूरी है, रोबी रोबी सीजन में इरीगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द विंटर पीरियड बारिश नहीं होता, और बारिश जब बारिश नहीं होगा तब तो ये इसको उपजाव के लिए ये फसल को ठीक से प्लान करने के लिए, ठीक से मेंटेन करने के लिए इरिगेशन वाटर जरूरी है, क्योंकि तो बारिश का वाटर नहीं मिलते। ठीक है, तो रोबी क्रॉप्स मेनली कौन सी क्रॉप रोबी क्रॉप में आता है, जैसे कि व्हीट हो गया, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, पोटेटो, ठीक है, टोमेटो, पिया, ठीक है, पीनट, पी, तो ये सारा क्रॉप्स रोबी क्रॉप्स के अंडर आता है। ठीक है, तो थोड़ा फिगर है रोबी क्रॉप्स का, जैसे व्हीट हो गया, ठीक है, व्हीट सोर्स से, ठीक है, मटर, ये टमाटर, ठीक है, ये सारा थोड़ा रोबी क्रॉप्स के अंदर आता है। अब देखते हैं खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप रेनी सीजन, रेनी सीजन में जनरली वो बोते हैं और हार्वेस्टिंग इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में वो काट लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरली मान लो फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, जून जुलाई में ये फसल लगाता है और हार्वेस्टिंग करता है, अक्टूबर 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 सितंबर अक्टूबर तक ये काट लेते हैं फसल, तो इसे समर क्रॉप भी कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड बारिश होता रहता है। ठीक है, तो जब बारिश होगा तो वो इरीगेशन वाटर ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इट्स रिक्वायर अबाउट टू टू थ्री टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द रूबी क्रॉप्स, रूबी क्रॉप्स के लिए जितना वाटर चाहिए उससे 2 से 3 गुना वाटर ज्यादा ज्यादा चाहिए खारिज क्रॉप्स के लिए, लेकिन तब तो नेचुरल रेनफॉल होता है तो वो रेनफॉल के लिए इरीगेशन का जरूरत नहीं होता, ज्यादा वाटर जरूरत नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल रेनफॉल ही वो सारा वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है। ठीक है, तो ये खारिज क्रॉप के अंदर क्या क्या आता है, ऐसे राइस आता है, बाजरा, ठीक है, मेज, कॉटन, टोबैको, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब तरफ जो फसल है वो खारिज क्रॉप के अंदर आता है। तो ये जो है धान वगैरह, धान, सोयाबीन, भुट्टा, ठीक है, तो ये ठीक है, ये सारा जो फसल है ये खारिज क्रॉप के अंदर आता है। अब देखते हैं रोबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के दोनों के बीच और एक क्रॉप्स होता है जैसे जेड क्रॉप्स का, ठीक है, ये जनरली ये बहते हैं जनरली मार्च मार्च तक ये लगाते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में, एंड जून जुलाई में ये हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक, तो ये जनरली गर्मी में टाइम में होता है, तो इसके लिए इरिगेशन वाटर की जरूरत होता है, इसे इसे और एक भी हॉट वेदर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली सीजनल डिपेंडेंट जो सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल है वो इसके अंदर, जैसे कुकुम्बर, वाटर मेलोन, पामकिन, ठीक है, तो गीटर गार्ड, ये सारा जो फसल है वो जेड क्रॉप्स के अंदर आते हैं।
इसी टाइप का होता है, ये सारा सब जेड क्रॉप के अंदर आता है। तो और मेजर जैसे ये टेबल है, जैसे एक मेजर फूड क्रॉप्स क्या होता है, राइस, व्हीट, ठीक है, मेज, मिलेट एक्सेट्रा, ये सारा जो पॉइंट फूड क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्रॉप, फूड टाइप में डिवाइड किया, वो तो क्रॉप का सीजन अकॉर्डिंग टू क्रॉप सीजन क्रॉप्स को डिवाइड, पूरा ईयर को डिवाइड किया, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, इसी टाइप का भी क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो फूड क्रॉप्स मैंने द क्रॉप्स दैट आर यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे कि राइस हो गया, राइस, गेहूँ, मेज, ठीक है, ये सारा जो क्रॉप्स है वो फूड क्रॉप्स कहते हैं। और कैश क्रॉप्स क्या है, कैश क्रॉप ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज द कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल आइदर इन रॉ फॉर्म और इन सेमी प्रोसेस, ठीक है, जैसे कि अगर ये जो कैश क्रॉप डायरेक्टली खा नहीं सकते, ठीक है, और जमीन से अगर खेतों से उठा के उसके बाद खा लेंगे ऐसे नहीं, उसके उससे पहले प्रोसेसिंग के लिए मार्केट में भेजना पड़ता है, जैसे कॉटन, जूट, ठीक है, टोबाको, शुगर, शुगर कैन, ये सारा हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको मार्केट में भेजना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए, उसके बाद ही वो यूज करता है, ठीक है, ये है कैश क्रॉप्स का प्रॉपर्टी। अभी प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफी वगैरह, कोकोनट, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में जैसे फ्रूट और वेजिटेबल आ जाता है। तो ये मेजर क्रॉप्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्रॉप्स आर टाइप ऑफ क्रॉप सीजन, तो अलग है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रॉप सीजन, तो रबी सीजन, खरीफ सीजन ये सब आएगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रॉप देन ये आएगा, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये सब क्रॉप्स आ जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज द क्रॉप एंड क्रॉप सीजन। यस सर, ओके अब देखते हैं व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट खरीफ सीजन, ठीक है, तो व्हाट आर रिक्वायरमेंट, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा ये चीज से, जैसे राइस धान के लिए जनरली, धान जनरली बेस, धान का बेस पीरियड जनरली जुलाई टू नवंबर होता है, और ये व्हाट आर रिक्वायरमेंट, जनरली व्हाट आर रिक्वायरमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं बाई सेंटीमीटर, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर जरूरी है उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो और एक भी आप बाय वॉल्यूम भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कि कितना कितना वॉल्यूम वाटर जरूरी है, जनरली हम यूजुअली ये डेप्थ ऑफ वाटर हम कैलकुलेट करते हैं, कितना टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, तो जनरली धान के लिए जनरली 120 to 150 सेंटीमीटर वाटर जरूरी होता है टोटल ड्यूरिंग द बेस पीरियड, टोटल बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। और एक है मेज, भुट्टा, भुट्टा के लिए जनरली होता है जून टू अक्टूबर टू ये बेस पीरियड होता है, और उसका जनरली टोटल डेप्थ ऑफ वाटर 48 सेंटीमीटर के रफ जरूरी होते हैं, ये पूरा ग्रोथ के लिए, ठीक है, पूरा 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 का पूरा जो बेस पीरियड है उसके अंदर 45 to 45 सेंटीमीटर तो वाटर का जरूरी होता है, ठीक है, जैसे कि बाजरा के लिए 30 सेंटीमीटर, कोकोना, ग्राउंड नट के लिए 45 सेंटीमीटर, कॉटन के लिए 25 to 40 सेंटीमीटर वाटर का जरूरी होता है, ये खारिज सीजन, खारिज क्रॉप के लिए, तो खारिज क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। आप देखते हैं रोबी क्रॉप्स, ठीक है, रोबी क्रॉप्स में क्या है, व्हीट आ गया, व्हीट व्हीट जनरली ग्रोथ पीरियड होता है, ग्रोथ पीरियड मतलब बेस पीरियड, सब कुछ सेम ही है, तो साइनोनिम्स है, बेस पीरियड, ग्रोथ पीरियड, क्रॉप पीरियड, सब कुछ सेम, ठीक है, तो व्हीट के लिए जनरली अक्टूबर टू अप्रैल तक होता है ये इसका ग्रोथ पीरियड, और इसका वाटर रिक्वायरमेंट जनरली 38 to 38 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाएगा, जैसे ग्राम के लिए है, टोबाको, लिंसिट, मास्टर के लिए पूरा पूरा का पूरा कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है वो इस टेबल से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सर, हेलो सर। हाँ बोलो, सर, जो फसल पूरे साल भर रहती है खेत में उनको क्या कहते हैं? जैसे गन्ने का तो सर पूरे साल भर ही रहता है। हाँ तो उसको अलग से उसका कोई इसी नहीं है, तो वो हर क्रॉप में आता है, उसका अलग कोई नाम नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो वो जब हम वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो उसको हर एक सीजन में वाटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, मान लो गाड़ने के लिए 20 सेंटीमीटर वाटर जरूरी है, ठीक है, तो तब कितना डिस्टेंस चाहिए उसके लिए हम एक प्रॉब्लम करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, उसके हिसाब से सब कैलकुलेट करेंगे, उसका अलग कोई नाम नहीं है इसे। ठीक है,
सर हाँ बोलिए। तंबाकू को जेड उस क्रॉप में ले सकते हैं कि क्या उसका तंबाकू है सर, तंबाकू को जेड क्रॉप में ले सकते हैं क्योंकि उसको जो है फरवरी में वो किया जाता है, बोया जाता है और उसमें काटा जाता है, मई में काट लिया जाता है। तंबाकू तो खरीफ क्रॉप में अंदर आता है ना, खरीफ क्रॉप में ले लेता है। उसको तो बोया फरवरी में जाता और काटा मई में जाता है, तो ये तो एक तरह से उसके बीच में आ गया ना। तंबाकू ऐसे हो गए, तंबाकू तो जनरली ये तो फेब्रुआरी में, ये तो जनरली आगे वाली स्लाइड में नॉर्मल। सर लिखा था जहां पे वाटर रिक्वायरमेंट थी वहां। कौन सी बात बोल रहे हो तुम इसमें? इसके आगे सर जहाँ पे वो टेबल बना था, अच्छा, इसमें तो इसके आगे वाले टेबल में यहाँ पे फरवरी तंबाकू के, देखो सर फरवरी में वो किया गया और मई में काट लिया गया। बहुत क्लोज। ये तो एक्चुअली जहाँ जून होना चाहिए था ना तब तो, और अरे खरीफ में हो तंबाकू तो मुंह की फसल थोड़ी है कोई जो उसको लेंगे, देखो तंबाकू थोड़ी है, ड्रग्स है। तो ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है कोई क्रॉप्स, अभी तो क्या है ना, तो पहले पहले ऐसा होता था कि टाइमली होता, मुझे अभी की अभी कभी कभी टाइम भी खरीफ क्रॉप में जो टाइमिंग है उसी के टाइम में भी तंबाकू कभी कभी होता है। ठीक है, एक्चुअली तंबाकू जूट के पास भी होता है। ठीक है, जूट जूट के साथ साथ ही आता है तंबाकू, तो इसीलिए वो ओके खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। तो इसे या फॉर क्यू इधर लिखिए ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा इसी टाइम में भी होता है, तो तुम खारिज करो के अंदर ले सकते हो, लेकिन वो जेट में नहीं आते, जेट में मत लेना उसको, खारिज करो के अंदर ही लेना। सर, हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें जैसे हम जो कर रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, इसमें आगे जैसे आपने पहले बेसिक मेथड भी किया था इरिगेशन का ना, हाँ तो इनमें इसके सिर्फ थ्योरी है न्यूमेरिकल भी होंगे बाद में? न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, ये थोड़ा 2-3 स्लाइड के बाद ही न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा बहुत ठीक है। सारे और छोटा जो छोटा आपने शुरू में न्यूमेरिकल कोड सार है। करवाया था उस पे बेस्ड होंगे ना, हाँ ये जो शुरू में आपने सार लिखवाया था ना एक ऐसे आर्क था ना कुछ, हाँ सर, उसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा उस पे न्यूमेरिकल नहीं है। आज अच्छा के क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, वो जो पहले जो होगा था ठीक है वो सब सर, थ्योरी क्लास थे, आज के लिए थोड़ा अच्छा मैथमेटिक्स है। ठीक आसम है, तो आज के बाद ठीक है, जाएगा ओके सर। थोड़ा। एक्सक्यूज मी हाँ सर, बोलिए। सर तो जो क्लास में जितने भी चीजें पढ़ाई थी वो सारी पढ़नी पड़ेगी, सिलेबस में उतना नहीं था ना इसलिए सिलेबस में तो पूछा। सब कुछ ही है, तुम सिलेबस देखना, देखना सब कुछ है सिलेबस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ ओके सर, इरिगेशन जो है उसमें सब कुछ ओके है। सर, सर एक ठीक है डाउट सर, ओके था सर। सर, सर हमारा अभी ऑफलाइन क्लास जो खुला है उसमें टाइम टेबल आया है, तो सर हमें डेली आना पड़ेगा कॉलेज? ऑफलाइन क्लास कहाँ खुला इरिगेशन की भी हुआ? सर प्रैक्टिकल, सर इरिगेशन की भी प्रैक्टिकल क्लास हो? ये न्यूमेरिकल पॉइंट आएगा, ये सारा पॉइंट अभी बहुत जरूरी है। क्रॉप पीरियड, ठीक है, तो व्हाट इज द क्रॉप पीरियड? क्रॉप पीरियड इज द टाइम पीरियड दैट इलेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ इट हार्वेस्टिंग। जब हम फसल को खेत में लगाते हैं उसी टाइम से जब हम फसल को काट लेते हैं उसी के जो टाइमिंग है उसके अंदर, जो दोनों के अंदर जो टाइमिंग है उसे, जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं क्रॉप पीरियड। ठीक है, और एक है द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड अलग है, बेस पीरियड अलग है, लेकिन हम एक्चुअली जब हम मेजरमेंट्स करेंगे दोनों को एज ए सेम इक्वल करेंगे, लेकिन क्रॉप पीरियड बेस पीरियड थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम जब यूज करेंगे, जो भी कोई भी अगर बोलेगा व्हाट इज क्रॉप पीरियड बेस पीरियड, हम एज ए साइनोनिम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फिगर फिगर दिया हूँ। ठीक है, फिगर है, फिगर में थोड़ा यह है फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग इसे कहते हैं बेस पीरियड, और फ्रॉम द टाइम ऑफ सोइंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। जब हम यहाँ पर बाते हैं फसल को, यहाँ पर जब लगाते हैं जमीन पे उसी के टाइम से जब हम यह फसल काट लेते हैं उसके भी जो होता है क्रॉप पीरियड, और फर्स्ट वाटरिंग जब हम
वाटर को पहले बार जमीन में अप्लाई कर रहा है, और टू द लास्ट वाटरिंग जो फसल काटने के पहले जो हम वाटर अप्लाई करते हैं उसी के बीच में जो पीरियड है जिसे कहते हैं बेस पीरियड। तो ये थोड़ा बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम वो डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं और हम क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ग्रोथ पीरियड तीनों पीरियड के हम सेम लगते हैं, ठीक है। तो इसे जनरली बी से रिप्रेजेंट करता है कैपिटल बी। ये नोटेशन बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि जब मैथमेटिक्स करेंगे तो अब इसके बहुत जरूरी पड़ेगा। कैपिटल बी से हम ये डेज पीरियड को डिनोट करेंगे और इसके यूनिट है डेज, ठीक है। क्लियर सबको डेज पीरियड और क्रॉप पीरियड के मध्य का डिफरेंस? और अगर जमीन में, अगर कोई जमीन में सूखा हुआ है जमीन, तो उसको हम कैसे जो पौधे लगाएंगे, क्रॉप्स कैसे लगाएंगे, प्लांट कैसे लगाएंगे? पहले वाटरिंग करना पड़ेगा, पहले वाटर देकर जमीन को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अर्थ में नमी होनी जरूरी है। क्लियर? और कोई किसी का कोई डाउट? बेस पीरियड एक बार फिर बता दो। बेस पीरियड है जब हम फसल लगाते हैं, कोई भी क्रॉप्स जब लगाते हैं, सॉरी बेस पीरियड है जब फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग जमीन, पहले जब कोई भी क्रॉप लगाने से पहले हम जब वाटर अप्लाई करते हैं इरिगेशन वाटर, उसी के टाइमिंग से जब हम फसल काटने से पहले जब हम वाटर अप्लाई करते हैं, दोनों के बीच जो पीरियड है, जो टाइमिंग है, उसे कहते हैं बेस पीरियड। तो ओके सर, ठीक है। तो इसी हम दोनों के बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम दोनों को सेम मान लेते हैं। व्हाट इज द क्रॉप पीरियड, व्हाट इज द बेस पीरियड, एग्जाम में भी सेम करते हैं, इंटरव्यू कोई भी अगर ज्यादा कुछ, दोनों को सेम ही यूज करना। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड? अगर क्वेश्चन टाइप हार्ड होगा किसी भी, अगर थोड़ा ज्यादा नॉलेज तुम्हें चेक करना चाहिए, तो वो कोई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड। तो तब के लिए थोड़ा जानना जरूरी है, लेकिन हम जब मैथमेटिक्स करेंगे कोई प्रॉब्लम करेंगे, दोनों का हम सेम यूज करेंगे। अब इसके डेल्टा, तो व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा मतलब द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स टू कम टू इट मैच्योरिटी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द बेस पीरियड हम टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर हम फसल के लिए भेजते हैं, ठीक है, उससे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है डेप्थ ऑफ वाटर, जैसे रेनफॉल कैलकुलेट होता है ना, तो कभी कभी न्यूज में सुना होगा 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। तो इसको वाटर को मेजरमेंट करने का एक तरीका है बाय डेप्थ ऑफ वाटर, और एक टाइप है बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम डेप्थ, अगर किसी भी वाटर डेप्थ पता है तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी को पता है वाटर डेप्थ से कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम डेल्टा जनरली ये बाय डेप्थ हम वाटर को कैलकुलेट में रखेंगे, जब हम मेजर करेंगे बाय डेप्थ रिकॉर्ड में रखेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में वॉल्यूम नहीं रखते, डेप्थ रखने में बहुत इजी होता है और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, बहुत ही हेजिटेशन नहीं होता, बहुत क्लियर आइडिया, तो थोड़ा क्लियर हो जाता है अगर हम बाय डेप्थ हम वाटर को कैलकुलेट करेंगे। तो बाय डेप्थ हम जब वाटर को कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर किसी फसल को टोटल फसल ब्रेस पीरियड में टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर हम सप्लाई किया है, उसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो हर एक टाइमिंग, मतलब 5 दिन फसल बहाने के 5 दिन बाद 2 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया, 10 दिन बाद 3 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया, 11 दिन बाद 5 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया, 1 महीने बाद 10 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया, तो टोटल आफ्टर द डेप्थ ड्यूरिंग द बेस पीरियड और ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड ऑफ द क्रॉप हम टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई किया, सारा को समेशन करके टोटल जितना डेप आएगा उसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। क्लियर हो गया व्हाट इज डेल्टा? यस सर। सर तो वैसे पता कैसे लगेगा कितना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है कल? रेनफॉल मेजरमेंट हम करेंगे ना, तो जब हम हाइड्रोलॉजी पढ़ाएंगे तब कैसे रेनफॉल मेजरमेंट करते हैं पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। वाटर को कैसे मेजर करेंगे, मेजर करने का तरीका है डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर हम जमीन के ऊपर कितना डेप्थ ऑफ वाटर स्टैंड हुआ है उसी के मेजर करके हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
ओके सर। तो ये डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग वाटर अलग अलग डेप्थ जितना वाटर जरूरी होता है। टाइप ऑफ क्रॉप्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर समर समर सीजन में ज्यादा वाटर ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, विंटर सीजन में कम वाटर चाहिए, सॉइल सैंडी सॉइल में ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, क्ले सॉइल में कम थोड़ा कम वाटर चाहिए, ठीक है। ये वाटर डेल्टा इन तीनों तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप्स, क्लाइमेट और सॉइल। और डेल्टा को जनरली सेंटीमीटर और मीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं। और एक है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वाटरिंग, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ रोटेशन पीरियड, ठीक है। और रोटेशन पीरियड ऑफ नहीं है और होगा और रोटेशन पीरियड करते हैं। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है दो कंसेक्यूटिव इरिगेशन के बीच में जो टाइमिंग है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मान लो 10 दिन है तो मतलब 10 दिन पहले भी इरिगेशन करना पड़ेगा, 10 दिन बाद भी इरिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों दो कंसेक्यूटिव इरिगेशन वाटरिंग के जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कर लो जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ। इफ द राइस रिक्वायर अबाउट 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 10 डेज, द क्रॉप पीरियड फॉर द राइस इज 120 डेज, फाइंड आउट द डेल्टा फॉर राइस। कुछ हो पाएगा? हाँ 180 सही बोल रहे हैं। 180 सेंटीमीटर आ रहा है? यस सर। हाँ और किसी ने किया है? 180 आ रहा है। वाटर इज रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 डेज फॉर ए पीरियड ऑफ 120 डेज, मतलब 120 दिन बेस पीरियड है, क्रॉप पीरियड है, 120 दिन 20 दिन में हम 10 दिन बाद 10 दिन के टाइम इंटरवल में हम वाटर को अप्लाई करेंगे। पहले 10 दिन के बाद एक वाटरिंग अप्लाई करेंगे जिसका हर एक वाटरिंग हम 15 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई करेंगे। तो 10 दिन पहले 10 दिन के बाद 15 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरा 10 दिन के बाद 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके हम वाटर अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ वाटरिंग कितना है? तो 120 बाय 10 को 12 नंबर ऑफ वाटरिंग हम 12 बार हमको वाटर भेजना पड़ेगा। और 12 बार हर एक बार में कितना वाटर चाहिए? 15 सेंटीमीटर। तो 12 बार में कितना वाटर भेजेंगे? 12 × 15 टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इन ईच टाइम इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। And the total depth of water equal to 12 × 15, that is equal to 180 centimeter. ठीक है? So sir, delta for rise equal to 180 centimeter. Clear? कोई doubt किसी का? No sir. हाँ? All clear sir. Okay. Yes sir. अब इसका answer बताओ. पचास हाँ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहले का जो प्रॉब्लम है उसी की टाइप का है, सेम बिल्कुल सेम है, जो डाटा चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ ही सेम है, ठीक है। तो ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अप्रोक्सीमेटली ये आइडिया ले लो जो डिफरेंट क्रॉप्स का डेल्टा कितने कितना होता है। शुगर केन का जो गन्ने का होता है उसके 120 सेंटीमीटर आता है, राइस का 120 सेंटीमीटर के आसपास, टोबैको का 75 सेंटीमीटर के आसपास, इसी टाइप का डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स का ये डिफरेंट डेल्टा इसी के आसपास ही आता है,
ठीक है, डेल्टा मतलब टोटल वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द फुल फुल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। अब देखते हैं डीयूटी, तो हर एक बात है डेल्टा क्रॉप्स के लिए, हर एक क्रॉप्स का अलग अलग वाटर है। अभी जो आएगा डीयूटी, डीयूटी है वाटर के लिए, दो अलग है, डेल्टा फॉर क्रॉप्स और डीयूटी फॉर वाटर, ठीक है। तो डीयूटी क्या है, चलिए डीयूटी में भी डिफाइन एज द एरिया इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ of a given crops by supplying 1 meter cube per second of water continuously during the entire base period of the crops. मतलब total जो base period है, कोई भी crop का total base period में continuously हम 1 cubic water को supply करके कितने area को irrigation irrigate कर सकते हैं, उसे कहते हैं duty. ठीक है, duty is the area irrigated by supplying 1 cubic water continuously during the entire base period of a crops. एक crop का base period में, base period जितना timing है उस time में continuously अगर हम 1 cubic water supply करते रहते हैं तो अब हम कितना area को irrigate कर सकते हैं, ठीक है, कितना area को irrigate कर सकते हैं उससे कहते हैं duty of the water. ठीक है, इसे जनरल इसको यूनिट है हेक्टर पर cubic, मतलब एक cubic water से कितना हेक्टर हम, कितने हेक्टर एरिया हम इरिगेट कर सकते हैं बाय सप्लाइंग 1 cubic वाटर ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप्स. मान लो अगर बेस पीरियड 120 दिन है तो 120 दिन में कंटिन्यूअसली हम 1 cubic वाटर सप्लाई करेंगे जमीन में, सप्लाई करते करते उस वाटर से हम कितने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं उसे कहते हैं ड्यूटी ऑफ द वाटर. इसे जनरली कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. सर हाँ बोलो सर, 1 meter cube per second मतलब हर एक सेकंड में इतना पानी पटाते रहेंगे, हर एक सेकंड में 1 meter cube पानी हम सप्लाई करेंगे. ओके कंटिन्यूअसली पूरा बेस पीरियड में, ठीक है. तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कोई बोल सकते है, एक हर एक सेकंड में 1 meter cube वाटर सप्लाई करेंगे और मान लो एक बेस पीरियड, एक क्रॉप का बेस पीरियड है 120 days, तो कितना वॉल्यूम हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, 120 डेज इनटू एक दिन में कितना सेकंड होता है, कोई तो कुछ बोलो. 24 घंटे ना, तो 24 से मल्टीप्लाई, हां 24 इनटू 60 28 है ना, मतलब 86,400 होता है ना एक दिन में कितना सेकंड, हाँ तो 120 डेज इनटू 86,400 इतना मीटर क्यूब होता है टोटल वाटर सप्लाई करेंगे, तो इस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर से हम कितना एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, कितने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं उसे कहते हैं ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ द वाटर. ओके क्लियर, कोई डाउट किसी का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, हर एक एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना. ओके सर, नो डाउट. 10,376 आएगा. तो दैट इज ड्यूटी इक्वल टू, ड्यूटी का एक्सप्रेशन है ड्यूटी इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज, ठीक है, दैट इज हेक्टर पर क्यूब में, ठीक है, एरिया इक्वल टू ड्यूटी इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज, ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना. ये बाय डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी हम ये एक्सप्रेशन को निकल सकते हैं, ड्यूटी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, कितना एरिया को हम इरिगेट करें और कितना डिस्चार्ज है दोनों को डिवाइड करेंगे तो ड्यूटी निकल आएगा, ठीक है. और एक बात है, ड्यूटी फॉर वाटर और डेल्टा फॉर क्रॉप्स दोनों अलग अलग है. ये अगर कोई ड्यूटी वाटर के लिए है और डेल्टा क्रॉप्स के लिए, एक क्रॉप के कितना वाटर चाहिए और ड्यूटी ऑफ वाटर, वाटर का ड्यूटी है कितना वाटर का कितना एरिया को इरिगेट कर सकते हैं. So DOT is the nothing but the relationship between the volume of water and the area of the crops it needs you. So agar manlo if water flowing at a rate of 1 cubic run continuously for b days and massive 200 hectare, theek hai, agar manlo 1 meter cube per second is rate mein agar water supply karenge b during the base period, hum 200 hectare area ko irrigate karenge to DOT of water hoga 200 hectare per cube mein.
तो ये DOT को जनरली हेक्टर पर क्यू में है, इसको जनरली डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम, डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम में इसका यूनिट है हेक्टर पर क्यू में, और एक स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम में उसको एक्सप्रेशन, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हेक्टर पर मिलियन मीटर क्यू। तो हम क्यू में के नहीं कैलकुलेट करते, तो मिलियन मीटर क्यू, क्योंकि अगर कोई भी स्टोरेज रिजर्व है उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर है हम उसे मेजर करेंगे मिलियन मीटर क्यूब से, ठीक है। और डायरेक्ट इरिगेशन में हम डिस्चार्ज से मेजर करेंगे, तो इसीलिए डायरेक्ट इरिगेशन में DOT को एक्सप्रेस करते हैं हेक्टर पर क्यू में इस यूनिट में, और स्टोरेज इरिगेशन को इरिगेशन में DOT को हम एक्सप्रेस करते हैं हेक्टर पर मिलियन मीटर क्यूब इस यूनिट में, ठीक है। ये दोनों थोड़ा एक बार क्लियर रख लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, जल्दी करके बताओ। ये द कल्टीवेबल एरिया इज ए क्रॉप सीजन, कल्टीवेबल एरिया मतलब है जिस एरिया में चार्ज होता रहता है, जिस एरिया में फसल होगा, ठीक है, जिस एरिया में एरिया में फसल होगा उसे कल्टीवेबल एरिया है, ठीक है। तो कल्टीवेबल एरिया इन ए क्रॉप सीजन इज 120 हेक्टर्स, इफ द एवरेज DOT ऑफ वाटर इज 2000 हेक्टर पर क्यू में फॉर दैट क्रॉप, फाइंड आउट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन द फील्ड for crops of that in the field for the irrigation of that crops season, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा सर? 6 आ रहा है क्या? 6 6 आ रहा है सर। 6 और कितना रहा है? 12 जा रहा है ना? 1200 है। अच्छा 1200 है, 0.6 है क्या? 0.6 है ना, डिस्चार्ज आएगा ना? हाँ 0.6, ठीक है, 0.6 मीटर के ऊपर सेकंड में, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया टू बी इरिगेटेड इन द क्रॉप्स, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करता है, इक्वल टू 120 1200 हेक्टर, 1200 हेक्टर, 1200 हेक्टर, और ड्यूटी ऑफ वाटर दिया हुआ है डी इक्वल टू 2000 हेक्टर पर क्यू में। तो वी नो द ड्यूटी इक्वल टू एरिया बाय डिस्चार्ज, तो एरिया है 1200 और डिस्चार्ज इक्वल सॉरी DOT है, तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया बाय DOT होगा। जस्ट ये DOT को नीचे ले आओ और डिस्चार्ज को ऊपर फेंक दो, ठीक है। तो जस्ट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया बाय DOT, तो डेट इज इक्वल टू एरिया मतलब है 1200 हेक्टर और DOT इक्वल टू 2000 हेक्टर पर क्यूब, तो दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हम आ जाएगा 0.6 जिसका यूनिट है क्यू में मीटर के ऊपर सेकंड। ये यूनिट ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्यू मैक और मीटर के ऊपर सेकंड एक ही बात है, एक ही बात है, सेम। अच्छा तो ये मतलब वो ड्यूटी हेक्टर पर मीटर के ऊपर सेकंड? हां हेक्टर पर मीटर के ऊपर सेकंड, ठीक है, ओके थैंक यू। तो सर अभी आप लास्ट स्लाइड में, सर अभी आप लास्ट स्लाइड में मिली मिली करके कुछ बताया, तो वो क्या था एक बार फिर बता दूंगा। वो तो स्टोरेज इरिगेशन के लिए, जब डायरेक्ट इरिगेशन स्टोरेज ये डिफरेंस तो मैंने बताया था ना, जब क्लासिफिकेशन मेथड पढ़ा रहा था ना, तो डायरेक्ट इरिगेशन क्या है, स्टोरेज इरिगेशन क्या है, तो बताया था। तो स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम में DOT को एक्सप्रेस करते हैं हेक्टर पर मिलियन मीटर क्यूब, तब हम कोई जो डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज से नहीं कैलकुलेट करते, कितना मीटर क्यूब वाटर वहां पर स्टोरेज रिजर्वर में है उसी हिसाब से हम DOT कैलकुलेट करते हैं, जी सर। तो ये दोनों दो अलग अलग है, डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम और स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम में दोनों अलग अलग से हम DOT कैलकुलेशन करते हैं। तो ये डायरेक्ट हम क्यू में के जो मीटर क्यूब पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं ना, तो हां 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 क्यू में के जगह मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो जब जब कोई भी ये तो सारा यूनिट जैसे है ऐसे दिया हुआ है, अगर मान लो ये हेक्टर ना दिया हुआ है, मीटर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तब इसको कन्वर्शन करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर से हेक्टर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से हेक्टर है, कन्वर्ट करके यूनिट में हां बदलना पड़ेगा। तो यूनिट यूनिट सबसे ध्यान, किसी भी प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट का यही गलत होता है, यूनिट ध्यान में नहीं रखते। तो जब भी कोई प्रॉब्लम करोगी, कोई मैथ करोगी, तब यूनिट ध्यान में रखना, ठीक है। अभी ये बताओ और एक प्रॉब्लम है, द कल्टीवेबल एरिया इन ए क्रॉप सीजन इज 1200 हेक्टर, इफ द वाटर सप्लाई टू द फील्ड एट रेट ऑफ 1.33 क्यूमेक, फाइंड आउट द ड्यूटी ऑफ द वाटर एट द फील्ड, इसका आंसर बताओ। 902.25 क्यू हेक्टर पर क्यूमेक, ऐसे क्यों क्या आएगा सर? 902.25 होगा हेक्टेयर पर क्यू में, ऐसे आएगा 902.25 हेक्टेयर पर क्यू में, कोई ना, ठीक
ठीक है सर। तो सबको ये मैथमेटिक्स समझ में आया, तो नहीं किसी को नहीं समझ में आया, क्योंकि एक ही रिप्लाई, एक दो स्टूडेंट मुझे रिप्लाई दे रहा है, बाकी जो स्टूडेंट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर, ऑल क्लियर सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम सेम ही है, जस्ट यहाँ पर एरिया एरिया से डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है, हर कंप्यूटर एग्जाम में आता है, हर इंटरव्यू में, कोई भी एग्जाम में ये रिलेशनशिप से ऊपर एक ना एक दो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, कंपल्सरी है। और हर एग्जाम में, सेमिस्टर एग्जाम में भी, हर एग्जाम में आता है ये। तो ये रिलेशन प्रूव करना आता है, और इसके ऊपर एक मैथमेटिक्स भी आएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रूव करते हैं रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूटी एंड डेल्टा। तो पहले हम देख लेते हैं, लेट अस लेट देयर इज अ क्रॉप, लेट अस कंसीडर अ क्रॉप बेस पी और बी डेस एंड ड्यूटी डी, एंड लेट वन क्यूब ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड इन दिस क्रॉप ऑन द फील्ड फॉर बी डेज। ठीक है, तो बी दिन में हम कंटिन्यूअसली वन क्यूब ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे, तो टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे, नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पी और बी इक्वल टू वन क्यूब इंटू 60 डेज, सॉरी बी डेज इंटू सिक्स, बी डेज इंटू 60 दैट इज इक्वल टू आवर आएगा, 60 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू मिनट आएगा, तो टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, बी डेज बी इंटू 24 इतना आवर, 24 इंटू 60 इतना मिनट, इंटू 60 इंटू इतना सेकेंड। तो आवर चेंज इन मिनट, मिनट चेंज इन सेकंड, मिनट चेंज मिनट चेंज इन सेकंड। क्लियर, तो टोटल टोटल अगर 1 क्यूब ऑफ वाटर हम कंटीन्यूअसली बी डेज में सप्लाई करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे इक्वल टू बी इक्वल टू आएगा 86400 इनटू बी या तो इतना क्यूबिक मीटर। ओके सर, ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको, बताओ। यस सर, ठीक है सर। यस सर। ओके, तो ये है एक वॉल्यूम ऑफ वाटर। Now by definition of duty, duty definition से क्या मिलेगा हमको, duty definition क्या है, 1 cubic meter water supplied for B days measure D hectare of land। duty का definition क्या है, हम 1 meter की water, 1 cubic meter water supply करेंगे B days में, और उसको irrigation irrigate करेंगे, D hectare area को irrigate करेंगे, तब तो उसका duty D hectare पर cube में आएगा। तो the quantity of water V measure D hectare of land or 10 to the power 4 into D square meter of area, D hectare, 1 hectare equal to kitna square meter hai, 10 to the power 4 square meter, to total kitne yes, area ko irrigate karenge, 10 to the power 4 into D itne square meter area ko irrigate karenge। theek hai, so now the total depth of water supplied to the land kitna hoga, एरिया इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इनटू डी, और वॉल्यूम इक्वल टू 86400, तो वॉल्यूम बाय एरिया इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगा। व्हाट पॉइंट आंसर, क्लियर, 4.64 बी मीटर। हां ठीक है सर, ठीक है, 8.64 इनटू बी बाय डी इतना मीटर आ जाएगा। तो टोटल अगर बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा से की क्या क्या डेल्टा का डेफिनेशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू द इरिगेशन लैंड ड्यूरिंग द बेस पीरियड, दैट इज इक्वल टू डेल्टा, है ना, 8.64 दैट इज बाय डी इक्वल टू डेल्टा, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाय डी इतना मीटर। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू 864 बी बाय डी इतना सेंटीमीटर, जिसमें बी का यूनिट है, बी का यूनिट है डे, और डी का यूनिट है हेक्टर पर क्यूब में, यह ध्यान में रखना, कोई भी प्रॉब्लम में डी को कन्वर्ट करेंगे हेक्टर पर क्यूब में कन्वर्ट, जो कोई भी यूनिट में रहेगा उसको हम डी को हेक्टर पर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और डी को हम डेस में कन्वर्ट करेंगे, तब डेल्टा मीटर में आएगा और सेंटीमीटर में आएगा, जब डेल्टा मीटर में आएगा तब ऊपर ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसकी यूज करेंगे, और डेल्टा जब सेंटीमीटर में आएगा तब नीचे का एक्सप्रेशन ही यूज करेंगे। ठीक है,
समझ में आया सर? इसमें वो वी क्या था, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो वी या वॉल्यूम? वॉल्यूम है ना वो वी, वी मतलब वी वी डे वी वाला सर, वो कौन मैच्योर्स डी एक्टर्स से पहले वी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है हां हां और डी एक्टर ठीक है सर। तो ये जो बी है बॉय का जो बी है उस बी है क्रॉप पीरियड बेस पीरियड, बेस पीरियड का जो पहला लेटर है बी उसे बेस पीरियड कहते हैं, बेस पीरियड का यूनिट है डेज और ड्यूटी का यूनिट हेक्टर पर क्यूब है, ये यूनिट बहुत ही ध्यान में रखना ठीक है। तो ये पूरा का रिलेशन प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है ये, जब राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एंड ड्यूटी, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी, ये एग्जाम में आता है। तो ये सारा कुछ ध्यान ये लिखना पड़ेगा ठीक है। तो ये है, तो अल्टीमेटली डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, ये पूरा रट लेना, पूरा रट लेना, कोई भी एग्जाम में इंटरव्यू में पूछेगा कोई पूरा रट के रखना। और डेल्टा इक्वल टू 864 बी बाई डी जी सर, और यूनिट भी ध्यान में रखना, बी का यूनिट है डेज और डी का यूनिट है हेक्टर पर क्यूब ठीक है। तो ये जो लास्ट में आता डेल्टा इक्वल 864 बाय बी, ये या इसका मेन आंसर जो आता है सर भी यहां पे डेप्थ है, कौन सी होगा बी क्रॉप पीरियड से, बी तो नंबर ऑफ डेज है, हां बी तो नंबर ऑफ, सर वही तो कह रहा हूं डी डेल्टा है ना, और डी एरिया है ड्यूटी मतलब वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम का भी उसका कोई यहां पर कोई फंक्शन नहीं है, वॉल्यूम का ऐसे मैंने एज नोटेशन रखा है, वॉल्यूम का जो बी है ठीक है, जो कैप बेस पीरियड का जो बी है उसे डेज में कन्वर्ट कर देंगे, बेस पीरियड का जो बी है सर डी ड्यूटी है एरिया है, कौन सी डी डी है सर, हां डी ड्यूटी डे ड्यूटी है ना, ड्यूटी जिसका यूनिट हेक्टर पर क्यूब है, हेक्टर पर क्यों मैं क्या सर ठीक है ओके सर क्लियर, किसी का कोई डाउट इसमें? ओके सर, नो सर, नो सर। आप देखते हैं एक प्रॉब्लम करते हैं, ये जल्दी का आंसर पाते हैं इसका, find the delta for a crop when its DUT 864 hectare per cubic on the field and the base period of the crop is 120 days, delta nikalo, sir 133.89 cm, 130 nahi 120 aa raha hai, theek se calculate karo 120 है, 120 लिख लेना, जब कोई प्रॉब्लम करेंगे तो पहले देख ले यूनिट विद इन विद यूनिट, ये पूरा का जो वैल्यू है वैल्यू के हिसाब से यूनिट लिख लेना। तो b इक्वल टू 120 डेज, d इक्वल टू 864 हेक्टर पर क्यूब है ठीक है। तो वी नो डेल्टा इन सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा सेंटीमीटर इक्वल टू 864 b / d, तो अब डेल्टा इक्वल टू 864 इनटू 120 डिवाइड बाय 864 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर ठीक है, ये आंसर हो गया। ये दूसरा एक और एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर बताओ, एन इरिगेशन कैनाल रन फॉर 125 डेज इन ए सीजन व्हेन व्हीट इज ग्रोन, the total depth of water is found to be 38 cm, find out the DUT of irrigation channel, DUT nikalo isme se, sir 2842.1 hectare per cube, 2842 hai aise karke kuch aayega, 2842.1 hectare ठीक है, वेरी गुड, यस सर, सबको समझ में आ गया ना क्योंकि इसमें यस सर, यस सर एक प्रॉब्लम सेमिस्टर में तो रहेगा ही रहेगा और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा, डेल्टा ड्यूटी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम। आप आगे चलते हैं, तो डिफरेंट क्रॉप का ये वैल्यू जो है थोड़ा वैल्यू कैसे होता है ड्यूटी का, वो थोड़ा एक आइडिया के लिए मैंने एक टेबल बना दिया सर, वो पहले वाले सर हां बोलो, वो जो लास्ट न्यूमेरिकल 10 में 38 डेल्टा था ना वो, हां डेल्टा था, डेल्टा था, अच्छा ठीक है सर ओके सर, हां तो ड्यूटी निकल रहा ठीक है सर,
तो ये डिफरेंट क्रॉप्स का जो ड्यूटी कैसे कैसे होता है, कितने कितना होता है, थोड़ा आइडिया के लिए मैंने टेबल बनाया। सुगर कैन का जनरली 730, वेजिटेबल का ऐसे करके थोड़ा आइडिया है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से क्या मिलेगा, ड्यूटी से हम ये ड्यूटी क्या करेगा, ड्यूटी अगर पता चलेगा तो हम इरीगेशन इफिशियंसी पता चल जाएगा, इन डिजाइन इन द इफिशियंट इरीगेशन कैनल, और डिस्चार्ज पता चलेगा। सबसे बड़ी ड्यूटी अगर पता चलेगा तो कितना डिस्चार्ज भेजना जरूरी है कोई भी इरीगेशन एरिया में, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में, तो उससे ड्यूटी से हम डिस्चार्ज निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अब जब हम डिस्चार्ज निकालेंगे तो अब उसको हम कैनल डिजाइन करने में थोड़ा आसानी होगा। तो ये कैनल डिजाइन के लिए ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी है उसको कैलकुलेशन के लिए ड्यूटी बहुत ही जरूरी है। आप देखते हैं कौन सी फैक्टर ड्यूटी को अफेक्ट करता है। तो ड्यूटी जनरल डिपेंड करता है किसी क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर, कितने टाइप, किन सीट, कौन सी टाइप, डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट ड्यूटी है, जैसे मैंने टेबल में लिख दिया है, ठीक है। तो द क्रॉप्स दैट नीड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो क्रॉप ज्यादा वाटर चाहिए, जिस क्रॉप के लिए ज्यादा वाटर चाहिए उसका ड्यूटी कम होता है, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितने क्रॉप ज्यादा वाटर चाहिएगा, क्योंकि अगर किसी भी क्रॉप में ज्यादा वाटर चाहिए तो कम एरिया को इरिगेट करेंगे ना, ठीक है। तो ज्यादा वाटर ले लेगा तो एक क्यू में एक वाटर अगर जो कंटिन्यूसली बी डेज तक सप्लाई करेंगे तब उसका एरिया का जो जितना एरिया का इरिगेट करेंगे वो थोड़ा कम होगा, अगर क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट हाई होगा तो। इसलिए जिस क्रॉप ने ज्यादा वाटर चाहिए उसके लिए उसका ड्यूटी ऑफ वाटर कम होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है इसमें। ये है टाइप ऑफ क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद है सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन और सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तब लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा तो ड्यूटी कम होगा, ड्यूटी ऑब्वियसली लोअर हो जाएगा। विंड के ऊपर अगर हाई विंड वेलोसिटी होगा तो लॉस ऑफ वाटर होगा, अगर वाटर लॉस होगा तो ड्यूटी कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर लॉस हम तो सप्लाई करेंगे 1 क्यूबिक वाटर, तो उसमें से अगर कोई लॉस हो जाएगा, वाटर चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, तब तो वाटर का नेट जो जितने अमाउंट ऑफ वाटर है, नेट अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा कमेगा, घट जाएगा। तो वाटर अगर कम घट जाएगा तो क्या होगा, एरिया इरीगेशन कम होगा, ड्यूटी कमेगा, ड्यूटी लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, अगर हाई ह्यूमिडिटी हो तो वाटर लॉस नहीं होगा, तो अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो ड्यूटी हाई होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल अगर किसी एरिया में रेनफॉल होगा तो वाटर ड्यूटी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेनफॉल होगा तो रेनफॉल से वाटर आएगा, और हम 1 क्यूबिक वाटर से ज्यादा एरिया को इरीगेट कर सकते हैं, तब उसका ड्यूटी भी हाई होगा रेनफॉल से, अगर किसी भी एरिया में कोई भी क्रॉप सीजन में अगर रेनफॉल हो तो, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉप के टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद सॉइल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर किसी भी लैंड में अगर सॉइल सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में जनरली क्या होता है, पार्कुलेशन लॉस होता है, तो जनरली उसका ड्यूटी कम होगा। अगर फाइन ग्रेन सॉइल क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो ड्यूटी हाई होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेस पीरियड, अगर बेस पीरियड लॉन्ग पीरियड होगा, ज्यादा बेस पीरियड लॉन्ग होगा, 120 दिन, 140 दिन, ठीक है, 160 दिन, जितना ज्यादा बेस पीरियड होगा उतना ड्यूटी लोअर ड्यूटी होगा, क्योंकि ज्यादा बेस पीरियड में ज्यादा वाटर का जरूरत होता है। तो ये होगा बेस पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कैनल कंडीशन, कैनल अगर जिस कैनल से हम पानी भेज रहे हैं ना, उस कैनल अगर लाइन कैनल है, पक्का कैनल है, ठीक है, कॉन्क्रीट से बना हुआ है कैनल, तो उसमें वाटर लॉस नहीं होगा, अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो ड्यूटी बढ़ जाएगा। अगर आर्दन कैनल है, जो जिसमें आर्दन कैनल है, मिट्टी का जो कैनल है, तो उस मिट्टी के कैनल से क्या है, पार्कुलेशन लॉस होगा तो क्या होगा, ड्यूटी ऑब्वियसली घटेगा, सेम लॉजिक है, ठीक है, समझ में आया सबको? सब यस सर, ओके। उसके बाद क्या मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अगर इफिशियंट और साइंटिफिक मेथड से हम अगर कल्टीवेशन करेंगे तो उसका वाटर उसका हम वाटर को इफिशियंटली यूज करेंगे, वाटर को अगर इफिशियंटली यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका ड्यूटी बढ़ जाएगा, है ना। तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, अगर अपडेटेड मेथड ऑफ कल्टीवेशन हम यूज एडॉप्ट करेंगे तो उसको ड्यूटी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर, ठीक है, तो हार्मफुल सॉल्ट और एल्कली कंटेंट लीड टू लोअर ड्यूटी, ठीक है। अगर किसी भी इरीगेशन वाटर में अगर हार्मफुल कोई कंटेंट रहेगा तो उसका ड्यूटी ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ इरीगेशन सिस्टम, कौन सी हम बहुत सारे हमने मेथड ऑफ इरीगेशन सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं,
तो कौन सी जिस मेथड में इफिशियंटली वाटर को यूज करेंगे उसका ड्यूटी हाई होगा, जनरली प्योर इरीगेशन। प्योर इरीगेशन में क्या होता है कि वाटर को वाटर लॉस बहुत कम होता है, तो उसमें जनरली हाई ड्यूटी होता है। तो इसी टाइप का जिस मेथड में वाटर लॉस कम होगा वाटर को ज़्यादा इफिशियंटली यूज करेंगे, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन में बहुत हाई होता है वाटर ड्यूटी, क्योंकि उसमें बहुत ही वाटर लॉस बहुत ही कम होता है ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन में। ठीक है, ये ऊपर इसके ये जो सारा फैक्टर है इसके ऊपर वाटर डिपेंड करेगा और ड्यूटी डिपेंड करेगा। सर हाँ बोलो सर, फैक्टर से पहले इम्पोर्टेंस बताया था ना ड्यूटी का। हाँ ओके सर, क्योंकि हम क्यों पढ़ेंगे, कोई भी चीज का अगर इम्पोर्टेंस नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे। उसका इम्पोर्टेंस ये है, उसको हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैनल डिजाइन में थोड़ा आसानी होता है, तब तो पता चल जाएगा ना कितना अमाउंट वाटर जरूरी है, जितना जरूरी है तो आप उतना ही भेजेंगे। ठीक है ना सर। हाँ बोलो। तो सर आपने जो सैंडी सॉइल बताया था उसमें परकोलेशन ज्यादा होता है ना। हाँ, परकोलेशन ज्यादा होता है तो वाटर लॉस होगा, तो उसमें ड्यूटी कम होगा ना। हाँ, और क्ले सॉइल में परकोलेशन कम होगा तो उसमें ड्यूटी ज्यादा होगा, है ना। सेम लॉजिक सेम। अच्छा, वाटर अगर लॉस होगा तो ड्यूटी ज्यादा, वाटर लॉस होगा तो हम कम एरिया को यूज कर पाएंगे। और वाटर पूरा का पूरा वाटर यूज करेंगे तो ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। ज्यादा एरिया को इरिगेट करेंगे तो मतलब ड्यूटी ज्यादा है, कम एरिया को करेंगे मतलब ड्यूटी कम है। क्लियर, मतलब रेसिप्रोकली हो रहा है ना वही। हां हां, रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सर, अब देखते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर, हम कैसे ड्यूटी ऑफ वाटर को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर किसी भी एरिया के अगर वाटर ड्यूटी कम है तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहले उसको अच्छा से प्लाविंग करना, जो वहाँ पर जो खुदाई करके जो भी फसल लगाने से पहले खुदाई करना पड़ता है उसको जो तरीका है वो अच्छा से खुदाई करना है, प्रॉपर प्लाविंग। तो प्रॉपर प्लाविंग से क्या होता है, जमीन के यूनिफॉर्मली थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाटर इफिशियंटली यूज कर पाते हैं, तो उसके लिए हम ड्यूटी बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, हम रोटेशन को क्रॉप को रोटेशन यूज करेंगे। हर साल एक ही टाइप का क्रॉप हम अगर हम फसल में नहीं लगाएंगे तो हर साल आप एक साल मान लो इस साल कोई भी आलू लगा लिया, दूसरी साल मटर लगा लिया एक ही जमीन में, तीसरी साल कोई और फसल लगा देता है, तो इसे रोटेशन में अगर हम उसको फसल लगाएंगे तो उसका ड्यूटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रॉप को हम रोटेशन में हम अप्लाई करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन में क्रॉप रोटेशन करके हम ड्यूटी वाटर को ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ इरीगेशन सिस्टम, हम इफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन सिस्टम को अडेप्ट करके हम ड्यूटी ऑफ वाटर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स, हम वाटर के ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करके हम ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर का टैक्स हम वाटर का लगा देंगे तो किसान क्या करेगा, थोड़ा वाटर को यूज करने के ध्यान में रखना है, वाटर को लिए पानी देना पैसा देना पड़ेगा, तो हम वाटर को ज़्यादा वेस्टेज नहीं होने देंगे। ठीक है, तब हम वाटर को तो ड्यूटी बढ़ जाएगा। ठीक है सर, प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग मींस प्लगिंग मतलब खुदा, कोई भी फसल लगाने से पहले खुदाई करना होता है ना ट्रैक्टर से, हल चलाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, प्रॉपर हाल चलाने से हम थोड़ा मिट्टी मतलब खोदना हुई मिट्टी, तो तब वाटर को इफिशियंटली यूज कर सकते हैं, तो वाटर ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, है ना। ओके सर, ये सब जो भी पॉइंट है इसको हम अडॉप्ट करके हम ड्यूटी ऑफ वाटर बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट कल्टीवेशन, लैंड को फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके हम कल्टीवेट करेंगे तो लॉस ऑफ मॉइस्चर थोड़ा कम हो, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद कैनल लाइनिंग, जो हम अर्बन में फ्रीक्वेंटली कल्टीवेशन करने पर हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी तो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी अगर हम इतना फ्रीक्वेंटली कल्टीवेट करेंगे। नहीं नहीं, क्यों करेंगे, फ्रीक्वेंटली कल्टीवेशन करेंगे तो एयर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा ना। अगर मान लो किसी भी जमीन में अगर एक बार कल्टीवेशन करके तुम जो फसल लगाने से पहले कल्टीवेट कर लिया, उसके बाद तुम कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया, तब क्या होगा, तब उसको वॉइड है, वॉइड थोड़ा ये हो जाएगा ना, वॉइड रिड्यूस, वॉइड से बढ़ जाएंगे उसके अंदर सॉइल के, तो वॉइड अगर कम होगा तो उसके एयर सर्कुलेशन नहीं होगा ना, जब एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंटली हम कल्टीवेट करें, इसीलिए देखो वो थोड़ा एक टाइप का ये होता है स्टूल होता है, उसको क्या कहते हैं,
उसी से फसल को खुदाई करता रहता है. खुदाई खुदाई का जो ये इक्विपमेंट है, छोटा छोटा इक्विपमेंट मिलता है जो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है, ठीक है, तो उस इक्विपमेंट से खुदाई करना पड़ता है. तो थोड़ा एयर सर्कुलेशन के, एयर सर्कुलेशन के लिए, तो इसे पीक्यूएनटी करेंगे तो मॉइस्चर, मॉइस्चर लॉस ऑफ मॉइस्चर कम होगा. ओके सर. उसके बाद ट्रांसमिशन लॉस, ट्रांसमिशन लॉस को हम अगर अवॉइड करके ट्रांसमिशन लॉस ऑफ वाटर, द कैनल शुड बी पॉसिबल नियर एज पॉसिबल एज नियर टू द कल्टीवेटेड लैंड. ठीक है, तो ये जरा पॉइंट, गुड क्वालिटी वाटर यूज करके हम ड्यूटी बढ़ा सकते हैं. सॉयल के सैंडी सॉयल को हम रिमूव करके उसमें थोड़ा फाइन ग्रेन सॉयल हम यूज कर सकते हैं, क्ले सॉयल. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो उसमें साइंटिफिकली अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ज़्यादा इफिशियंटली अगर वाटर को जमीन में पहुंच जाए तो उसको, उसको एडॉप्ट करके हम ड्यूटी बढ़ा सकते हैं. इरीगेशन स्टाफ को ट्रेनिंग करके, क्योंकि बहुत सारे इरीगेशन में वाटर के बारे में पता ही नहीं है, जैसे जैसे जहाज है जैसे मर्जी वाटर को छोड़ देते हैं. ठीक है, तो इरीगेशन स्टाफ जो है, जो भी इरीगेशन मैनेजमेंट में रहेगा, तो उसको थोड़ा ट्रेनिंग के पर्पस हम ट्रेनिंग देकर ड्यूटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. कल्टिवेटर जो है, जो किसान है, उसको थोड़ा समझाएंगे जे वो इरीगेशन वाटर इकोनॉमिकली यूज करेंगे, जे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर का क्या बेनिफिट है, उसको थोड़ा किसान को अगर समझाएंगे तो वाटर को ऑप्टिमम इफिशियंटली यूज करेगा. ठीक है, ऐसे करके हम ड्यूटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो आज इतना ही है, अगर किसी का कोई डाउट है तो बोलो.